जी, मेरे को लग रहा कि लोग आ रहे हैं। अमर सिंह जी आ गए, इतेंद्र शर्मा जी भी देख रहे हैं मेरे को, इतेंद्र शर्मा जी भी, अश्वनी जी भी। जी, मैं मेहमानों का इंतजार कर लूँ? मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ जी, तो ताकि बहुत से लोग आए मेरी बात को सुने। अनूप डोगरा जी भी आ गए जी, अमर सिंह तनवाज जी भी आ गए जी, अश्वनी जी भी आ गए जी, यतेंद्र शर्मा जी, हाँ जी, पुष्पलता जी। मेरे ख्याल में फिर शुरू कर देना चाहिए मेरे को। शर्मा जी, मेरे को थोड़ा सा इंडिकेशन दीजिए आप। सुदर्शन शिशि जी को मेरा नमस्कार है जी, हाँ जी, नमस्कार है मेरा जी। आपके होते हुए मेरे को खूब वो अंदर से हौसला हो जाता है सुदर्शन जी। जी, गुलेरी जी भी आ गए, आशुतोष गुलेरी जी भी हैं। तो मेरे को इतेंद्र जी में बताएं, मैं शुरू करूं अपना कार्यक्रम? मेरे को इंडिकेशन दीजिए जी, 15 लोग लगभग। हाँ जी, शुरू कर रहा हूँ। मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ, अपना छोटा सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गंगाराम राजे, हिंदी का प्रोफेसर, यहाँ से संस्कृत कॉलेज, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। 2002 में रिटायर हो चुका हूँ। और इसके बाद तो हम सब आपस में मिलते जुलते रहे हैं, बातें भी होती रही है, मेरा परिचय भी आप लोगों को है। बहुत इस तरफ मैं अधिक ना जाता हुआ इतना कहता हूँ कि मेरा जो लेखन कार्य है वो लगभग पिछले शताब्दी के 7वें दशक में आरंभ होता है। 1973 में मेरी एक कहानी भूख, डॉक्टर धर्मवीर भारत जी के द्वारा वो धर्म युग में जो छपी, तो उससे मैं बहुत उत्साहित हुआ। उन्होंने एक छोटे से मेरे को एक नोट लिखा, एक ही पंक्ति जैसी है कि लिखना जारी रखो, सिर्फ इतना। वो रखा हुआ मैंने, और मेरे को बड़ी खुशी होती है। इससे हट करके आप, मैं बात करता हूँ, मैं कविताओं के ऊपर नहीं गया। कविता लिखना बहुत जोखिम का कार्य है, मैं उसमें नहीं जा पाया हूँ। तो मैंने कहानी के तरफ ही, कहानियाँ गढ़ने, और हो सकता है मेरे माँ से मुझे आई हो। लोग कथाएं माँ सुनाते थे, हमें इतने उत्सुक होते थे कि सर्दियों के दिनों में जब चूल्हे के पास बैठते थे, लकड़ी जली हुई होती थी, सब भाई बहने बैठ करके हम माँ से कहानियां सुनते थे। और कहानियों के, उन्हीं कहानियों से मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं ऐसी कहानियां गढ़ सकता हूँ। और गढ़ी, हल्की फुल्की लोक कथाएं जब मैं गढ़ती थी तो मेरी माँ खूब हंसती थी। तो जिसका कोई, जिसको हम लोक भाषा में बोलते हैं ना, जिसका सिर है ना पैर है, ऐसी कहानियां मैं गढ़ लेता था। तो माँ मेरे को हंसती थी और माँ मेरे को बोलती थी, क्या बोलता है तू। खैर, चलते गए, कहानियां लिखते गए, और आज मेरे खाते में 17 कहानी संग्रह है। मैं कहानियों पे पहले बात करता हूँ, उसके बाद उपन्यासों पे बात करूंगा, उसके बाद जो लेख हैं उन पे बात करूंगा। ये 1 घंटे तक बात करते रहेंगे। अब इसमें दुखित बात तो ये है कि श्रोता मेरे को सुन रहे हैं कि नहीं, मेरे को मालूम चल रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, जैसे एक कमरे में कभी एक्टिंग का भूत सवार था, अपने आप करता रहता था, वैसे ही करता जाऊंगा जो। और मैं एक बात और मेरे दिमाग में रहती है कि अपनी बात को रोचकता में ढालना है, रोचकता पैदा करनी है, उसका ध्यान में रखते हुए यहाँ भी मैं रोचकता पैदा करूंगा। और पता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स तो कोई नहीं है ना। अगर रिस्पॉन्स मिलता तो मैं और बढ़ जाता। तो खैर, फिर भी एक तरफा
चलता रहेगा। तो मैंने जो मेरा जो पहला कहानी संग्रह 1973 में वो युगों पुराना संगीत आया, और उसी के साथ मेरा एक उपन्यास मन मंथन वो है, छोटा सा उपन्यास। मैं आपको उस बारी बारी में सबको बताता जाता हूँ, ये मेरा उपन्यास मन मंथन आपकी तरफ उल्टा आ रहा है तो ये इसको मैं सुलटा नहीं कर सकता हूँ, ये विधा ऐसी ही है। ये मन मंथन मेरे द्वारा लिखा गया उपन्यास है और चर्चित भी रहा, क्योंकि उस वक्त पुस्तकें लिखना जो थी उसमें बड़ी मानी जाती थी, लोग मेरे को बोलने लगे ये बड़ा राइटर है, वो बोलबाला था, लेखन का बोलबाला था। आज नहीं है, आज वो बातचीत नहीं है, आज तो हर फेसबुक के ऊपर लेखक है, हर विधा के ऊपर लेखक है, मिलता है, क्योंकि ज़्यादा हो गए, पहले कम होते थे तो इसलिए बोलबाला ज़्यादा। तो मन मंथन मेरे आसपास का जो दायरा था, आसपास का दायरा यानी उस वक्त ब्यास सतलुज लिंक का, ब्यास सतलुज लिंक का काम चलता था, वहाँ पर 35,000 मजदूर काम करते थे, और मैं अपने गांव के स्कूल में मुख्याध्यापक, और जब मुख्याध्यापक है गांव के स्कूल का मुख्याध्यापक हमारा माना जाता था, था तो मैं छोक रही लेकिन बड़ा माना जाता था। और लेकिन मेरी नेचर अपने को बड़ा वाली नहीं थी, मैं हरेक आदमी के अंदर घुसता था, कुछ आदत सी बन गई थी, किसी के सुख दुख में के किसी की खुशी में सब जगह में पहुंचता था। और इन मजदूरों को मैंने देखा, बहुत जो मजदूर टनल में जाता था, जो बग्गी से लेकर के पंडोह तक का टनल जो बना है, मैं भी उसमें गया हूँ, हमने पंडोह जाना होता था, कुल्लू जाना होता तो हम बग्गी से जाते थे और 15 मिनट में पंडोह पहुंच करके हम आगे निकल जाते थे, वहाँ लोको चलता था। जब वो मजदूर उस टनल में जाता था तो उसको मालूम नहीं होता था कि वो उधर से अंदर से वापस भी आता है कि नहीं, ठीक उसी तरह से जैसे सरहदों के ऊपर सिपाही जाता है, उसको मालूम नहीं है कि उसने छाती तान करके वो दुश्मनों का मुकाबला करता है, मालूम नहीं है कि उसकी गोली से दूसरा भुना जाएगा या दूसरे की गोली से वो भुना जाएगा, उसको मालूम नहीं है। जब शाम को घर पहुंचते हैं तो उसको एक तसल्ली होती है, मेरे एक मित्र का लड़का पायलट बना फौज में, एयरफोर्स में, तो उसने कहा कि अंकल एवरी लैंडिंग इज ए लाइफ फॉर द पायलट, जब भी हम नीचे उतरते हैं हमारे जीवन की एक नया जीवन शुरुआत होता है। और ठीक है, जब वे जो फाइटर प्लेन है वो आपने अखबारों में पढ़ा होगा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है नीचे बैठने के लिए, क्योंकि उसकी गति तेज होती है, उसको संभालना, अपने दिमाग के फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं होती जितनी की उसकी गति है, और उस गति से पायलट को काम करना पड़ता है। इसलिए उसी एयरफोर्स में एक कहावत है कि एवरी लैंडिंग इज ए न्यू लाइफ फॉर द पायलट, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह से जो मजदूर अंदर उस टनल के अंदर जाते थे, मेरे को लगता था कि टनल उनका, जब मैं सुनता था बातें तो मेरे को लगता था कि इसको मैं कलमबद्ध करूं, और वो ये मन मंथन में मिलता है कुछ हिस्सा उसका, उसका मन मंथन में उसका कुछ हिस्सा मिलता है। बहुत से लोगों ने इस मन मंथन के ऊपर मेरी चर्चा की है, बहुत से, जैसे साईं जामिल जी ने एक लिखा है कि बहुत कुछ लिख लेते हैं वो, मैं एक छोटी सी बात, उनकी छोटी सी बात, बड़ा लंबा लिखा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कि ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को कथा रूप में प्रस्तुत करना, शंकर सुरंग की यात्रा करना या खुदाई के निकली
शिला मूर्ति के भंग अंगों को पूर्व रूप देने जैसा कठिन कार्य है। ये उन्होंने उस बात को छोड़ करके, मैं आगे बात करूंगा, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है इसमें, या इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये शाहिद जामिल, डॉक्टर शाहिद जामिल पटना से, उन्होंने मेरे उपन्यासों के ऊपर ही चर्चा की। मैं धीरे धीरे बात करता जाऊंगा। मेरे उस इन इस कहानी का, इस उपन्यास के कहानी का रूप बड़ा विस्तृत ना लेता हुआ, मैं जो युगो पुराण संगीत, मेरा पहला कहानी संग्रह जो छपा युगो पुराण संगीत, मैं अपने कहानी संग्रहों के नाम बता रहा हूँ आपको। 1973 में युगो पुराण संगीत, सियावलोकन 2011 में आया, चक दे इंडिया 2012 में आया, फिर उसके बाद प्रेम पत्र आया, रिमझिम बरसे आया, मेरी मुंबई प्रवास की कहानियाँ, मैं 3 महीने मुंबई में चला जाता हूँ अपने बेटे के पास, तो वहाँ भी मेरे को आसपास जो है वो बहुत कुछ मिलता है, अपने जो मेरे पात्र हैं वो बहुत हैं वहाँ, तो उनको भी मैंने इसमें गल दिया, इसलिए मैं ये मेरी मुंबई प्रवास की कहानियाँ भाग एक। चलती का नाम गाड़ी, एक और मुक्ति वाहनी, उल्लू ना बनाओ, सरकार बनाम आदमी, और ठौर कहाँ, इसका नाम दूसरा भी है, जीवन एक पहले दे दिया उन्होंने, एक कोने का बुहारा हुआ कूड़ा, एक भीगी सुहा, नटखट भैराम जी, भीगी भीगी रे चदरिया, बुलेट ट्रेन, और सितारुआ है गुरु घंटार। ये मेरे कहानी संग्रह है। इन कई कहानियों में मैं डूबा हूँ, आपको सच कहूँ, ये बहुत देरों के बाद जो मैं एक अपनी एक भीगी सुहा जब पढ़ने लगा, बहुत दिनों के बाद, मेरे को मेरा पड़ोस में पवन रहता है, हमारा प्रिय पवन है और कृष्ण माधी भैया जी, उन्होंने वो कहानी पढ़ी और मेरे को बोला कि एक भीगी कहानी तो आपकी बहुत अच्छी है। मैं भूल गया, तो मैंने फिर वो पुस्तक निकाली, एक भीगी सुहा, एक भीगी सुहा, जब मैंने इसको पढ़ा, एक भीगी सुहा, यहाँ समय की बंदिश है, नहीं तो आपको सुनाता हूँ मैं वो बाद में। उस भीगी सुहा को पढ़ते हुए बहुत रोया, आंखें भीग आई, इसलिए एक भीगी सुहा है। एक कहानी एक काम करने वाली महिला कही है, जो घरों घरों में काम करती है, और एक घर में वो 25 वर्षों से काम कर रही है, उसकी बिटिया, जो उस मालकिन की बिटिया जब बड़ी होती है, वो उसी ने पाला है उसको, और जब उसकी शादी होती है तो वो इधर उधर जाकर के उसके लिए एक साड़ी चुनती है, एक साड़ी चुनती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि मेरी जो मैं साड़ी खरीदूंगी वो बहुत बहुमूल्य हो, बड़े घर की बिटिया है, और वो अगर मैं हल्की लूंगी तो पहनेंगी नहीं, उसके मेरे फॉर्मेलिटी होगी, उसके दिमाग में ये था। तो बुढ़िया काम करने के साथ साथ वो इधर उधर भीख मांगने लगी। तो लेखक, मैंने उससे पूछा, हकीकत कहानी है, मैंने उससे पूछा, अरे तुम तो अच्छी डिल डॉल हो, भीख क्यों मांग रही हो, मैं तुमको काम दिलाता हूँ, काम करो। उसने बोला, नहीं बाबू, काम तो हम करता है। बोला, फिर क्या करता है? कहते, मेरी ना बिटिया, जिस घर में मैं रहते हूँ उसकी बिटिया की शादी है, मैंने उसको साड़ी देनी है, इसलिए मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कीमत वाली साड़ी मैं उसको दूंगी। मैंने उसकी बहुत बातें, लंबी चौड़ी बात हुई, और वो जिस सुबह घूमते हुए मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरे को रोज मिलती थी भीख मांगते हुए, मैं रोज उसको देखता था। जब अगले दिन के लिए मैं तैयारी करके आया तो मैं अपनी जेब में 200 रुपये लेके आया था, सुबह में पैसे नहीं होते थे मेरे पास, मैं जानबूझ के 200 रुपये लेके आया कि मैंने उसको देने,
मैंने उस लेडी को 200 रुपये दिए। वो खुश हुई। मैं बोले तेरे पास कितने पैसे हो गए हैं? जब रोज बात करनी तो मेरे को अच्छा लगता था उससे। कहते मेरे पास सर, हमारा पास इस वक्त 4000 रुपये हुआ है। मैं बोला 4000 रुपये? मैं बोला ये तू इतनी बड़ी साड़ी और पैसा इकट्ठा कर रही है? कहते साहब वो बहुत बड़े आदमी है, अगर मैं हल्की सी साड़ी दूंगी तो वो लड़की नहीं पहनेगी। मैं बोले तेरे प्यार की उसको कदर करनी चाहिए। कहते वो उस तरफ मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में यह है कि जितना मैं कर सकती हूँ लास्ट डेज तक मैं खूब पैसे इकट्ठी करूंगी और उसको साड़ी दूंगी। मैंने 200 रुपये उसको दिया। वो फिर जब रोज मिलती थी तो मेरी तरफ मुस्कुराती थी। मैं उसको हाथ से करता था, मतलब कितने हुए, तो एक दिन उसने 5 किया, 5। फिर उसने साड़ी खरीदी। कौन सी खरीदी मेरे को मालूम नहीं, उसने महंगी साड़ी खरीदी होगी, वो लड़की को दी होगी। एक दिन मैं उसी तरह से अपनी रूटीन में जब जा रहा था, वहाँ हनुमान मंदिर है यारी रोड में, कभी आप जाओ मुंबई में तो देखना, तो उधर थोड़ी देर बैठता हूँ, उधर बेंच लगे हुए, मैं बैठा हुआ, वो ही महिला एक दिन आई और मंदिर के सामने, वो यानी जो हनुमान का मंदिर है, शिव का मंदिर भी है, कृष्ण का मंदिर, तीनों की मूर्तियाँ हैं वहाँ, और वो वहाँ जैसे नाच रही थी, घूम रही थी, खूब नाच नाच करके, ऐसे ऐसे घूम करके खूब मस्ती में नाच रही थी। मैंने बोला अरे तुमको क्या हुआ है, क्यों नाच रही हो? कहते बाबू ये जो मैंने साड़ी डाली है ना, ये मेरे को मालकिन ने दी है रिटर्न गिफ्ट, बिटिया की शादी पर मेरे को तोहफा दिया है। मैंने फिर इसको नाच रही थी। कहते हाँ ये देखो ना, ये जगह जगह से फटी है, नीचे से फटी है, इधर से फटी है, इधर से फटी है, और मैं इसमें मस्त हूँ, उस भगवान के आगे मैं नाच रही हूँ कि मेरे को एक गिफ्ट मिला है, मेरे को एक गिफ्ट मिला है। वो उसके आंखें भर आई, गिरने लगे बूंद आंखों की बूंद से, और मैं सच कह रहा हूँ, वो दृश्य मेरे को जब याद आता है तो आज भी मेरा मन भर जाता है। वो उस कृष्ण, वो मेरी बीगी, एक बीगी सुहा है, सुबह सुबह उसके दर्शन होते हैं, वो फिर भी उधर काम पे जाती है। अरे ऐसे पात्रों के बीच में जब लेखक घुसता है ना, तो जरूर वो कहानी आत्मसात होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी इसको पढ़िएगा, एक कहानी को पढ़िएगा, एक बीगी सुबह, हमारे देश की संस्कृति क्या बोलती है, कैसी है हमारे देश की संस्कृति। अरे बहुत सी कहानियां, ये कहानी मेरी पछताता जनसत्ता में चली, जनसत्ता में वो कहानी चली। जनसत्ता का सर्कुलेशन बहुत है, हम ऐसा करते हैं कि कोई हंस में छपने की कोशिश करता है वहां भी छपता हूँ, कोई बागर्थ में छपनी मैंने भी कोशिश की, कोई किधर करता है कोई किधर करता है, छपती है कहानियां, लेकिन उसकी सर्कुलेशन नहीं। सर्कुलेशन है तो जनसत्ता की है। अरे मैं एक जनसत्ता की, मेरे कहाँ गया मेरा जनसत्ता का पर्चा। अरे जनसत्ता में जब वो कहानी छपी तो उसके इतने मेरे को प्रतिक्रिया आई, अरे मैं तो गदगद हो गया। ऐसे ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया आई जिनका मैं समझ नहीं सकता था, उनकी प्रतिक्रिया कि मेरे को आ सकती हैं। डी बी क्रमेश जी, बाल साहित्य के सबसे बड़े ऊंचे राइटर हैं डी बी क्रमेश जी का, मैं आपको सुनाता हूँ डी बी क्रमेश जी का, ये जनसत्ता की प्रतिक्रिया मेरे पास है, मैंने निकाली आज आपके साथ शेयर करने के लिए। डी बी क्रमेश जी बोलते हैं कि कहानी जनसत्ता में आ रही है, अग्रिम बधाई, आपकी कहानी पढ़ गया हूँ, बहुत ही मार्मिक, यथास्थिति को उधेड़ कर रख देने वाली
गजब की रोचकता, अर्थात अपने से सहज को पदभा लेने में कसमकसता से भरपूर। बधाई हो आपको, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कवि, पूरे देशों में वो बाल साहित्य के लिए जाते हैं, वो मेरे को कह रहे हैं। अंकित कुमार फ्रॉम कलकत्ता, वो बोल रहे हैं कि 26 अप्रैल 2015 को प्रकाशित का आपकी कहानी पश्चाताप मुझे बहुत बेहद पसंद आई। बहुत लंबा लिखा है इन्होंने, और अंतिम पंक्ति में इसके लिए महिलाओं को गलत नहीं ठहराना चाहिए, मुझे यह अच्छा लगा कि कहानी के मुख्य पात्र ने अंत में अपनी गलती को स्वीकार किया। और मैं और बताता हूं आपको, तारकेश कुमार ओझा, ये भगवानपुर जनता विद्यालय के पास खड़गपुर पश्चिम बंगाल, अरे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, आप मेरे लिए तो अच्छा है, आपको बोर हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और तो और, आपके पास एक पत्रिका आती होगी, राम कुमार कृषि की, अलाप अलाप के संपादक मेरे को लिखते हैं, प्रिय भाई राजी आप अपनी पश्चाताप जनसत्ता में पढ़ी, उसका मेरे को उसका बहुत सुंदर लगी, उसका उत्तर आपको एक गजल में दे रहा हूँ। एक गजल है, मैं लेंस लेकर के उसको पढ़ रहा हूँ, बारीक से उन्होंने अपनी गजल की बुक से निकाला है। कल तक जो मिलकर रोते थे मिलकर गाते थे, अच्छे ही दिन थे कहने को बुरा बुरे कहलाते थे। घर घर के चुवारे भी थे गली मोहल्ले भी, लिपे पोते चौके थे मिलकर खाना खाते थे। लंबा है, नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, बहुत बहुत दो गजलें उन्होंने लिखी है। तो जो लास्ट में लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा, प्रिय राजी बहुत बधाई। अरे मेरे को बधाई दी, मेरे को फिर क्यों नहीं अच्छा लगना था, अच्छा लगा। और अंकित कुमार जगह का नाम नहीं है, बड़ा लंबा, मैं कुछ नाम सुना देता हूँ आपको। एक पश्चिम बंगाल से है, ये एक भगवानपुर से है, इत्यादि बहुत से लोगों ने, वो सर्कुलेशन है, आपकी कहानी को अगर पहचान मिलती है, लोग उसमें आत्मसात होता है उस कहानी के बीच में, तो सफलता मिलती है, दिल मेरा धड़क धड़क जाए, अच्छा लगता है। अरे मैं बहुत एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे अपनी कहानियों पे नाज भी हो जाता है, लेकिन अहंकार नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। किसी ने मेरी कहानी के ऊपर अगर उल्टा सुल्टा बोला तो मैं उसको बड़ी बारीकी से देखता हूँ कि ठीक बोल रहा है कि कैसा बोलता है। मैं अपने मित्रों को बोलता हूँ कि मेरे में जो गलतियाँ होती हैं उसको जरा बताइए कि मैं उसमें सुधार करूँ। एक उल्लू ना बनाओ, एक कहानी संग्रह उल्लू ना बनाओ, मेरे एक मित्र की कहानी उसमें आ गई, उसका नाम आया, कहानी तो नहीं आई उसकी, उल्लू ना बनाओ। उल्लू ना बनाओ मित्र मेरे से नाराज हो गया। दरअसल उसका नाम, पूरा नाम नहीं लूंगा, अंत में गोयल लिखता है, मेरा वो पात्र भी गोयल बन गया, और वो नाराज हो गया कि तूने मेरी कहानी लिखी है, तुम बदमाश हो, तुम लुचा हो, तुम लफंगे हो, तुम अपने नाम की शोहरत करने के लिए मेरे को रंग दिया इसमें, वगैरह वगैरह कई कुछ बोला। मेरे बचपन का दोस्त, साथ खेले, साथ लड़े, साथ बड़े हुए, ये मेरे बहुत से एपिसोड में जो आजकल मैं दिखाता हूँ, जो मेरे संस्मरण है उसमें है वो। मैं नाराज नहीं हुआ उसकी बातों से, नाराज नहीं हुआ, वो उससे ज्यादा नाराज हुआ। वो इसलिए नाराज हुआ कि ये तो मेरे को चिढ़ा रहा है, मैंने बोला यार
मैं तू चढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं चढ़ा रहा हूँ, तूने बहुत अच्छा किया, तेरे को जो कहानी मेरे को जो तूने पसंद की कहानी पसंद किया की, जो तूने आत्मसात किया उस कहानी को, तेरे के अंदर जो रस निष्पत्ति हुई उसमें मैं सफल हुआ हूँ, मैं इसलिए खुश हुआ हूँ। तू गालियां दे, तू मुझे डंडा मार, तू मुझे बात करना बंद। और मैं आपको बताऊं, एक साल पूरी बात नहीं किया है उसने मेरे साथ, अब करता है, जब उसको अनुभव हुआ अब करता है। उसकी बात ना करने पर भी मैं उसका साथ देता रहा। मैंने उसको बोला, अरे तेरे को तो दोस्तों की पहचान नहीं, वो आदमी निकारा है जिसको दोस्त की पहचान नहीं है, वो आदमी निकारा है जो स्वार्थ की भावना देखता है, वो आदमी निकारा है जिसको किसी आदमी की आदमी पहचान नहीं है। मैं तेरे से नाराज नहीं हूं, मैं खुश हूं अपनी लेखनी के ऊपर कि मेरी कहानी तेरे को चोट कर गई और तूने उसको उसकी रस रस निष्पत्ति तेरे के अंदर हुई है। अरे हमारे जो भारतीय विचारधारा है साहित्य की, उसमें रस निष्पत्ति होनी चाहिए, पाठक में होनी चाहिए, दर्शक में होनी चाहिए। जब लक्ष्मण को तीर लगता है, उधर स्टेज के ऊपर राम पश्चाताप करता है, उधर देखने वाला जो दर्शक है उसके हृदय में पीड़ा होती है, ये उसके पाठ करने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना किस तरह से अपने इसकी जो निष्पत्ति है वो उस वो पाठक या दर्शक के बीच में पहुंचाता है। यही तो सफलता है, इसी को तो सफलता बोलते हैं ना। और मैं खुश हुआ। ऐसी मेरी बहुत सी कहानी है जो लोगों के द्वारा जो बहुत हो गई एक विश्वास। और ये एक हीरा फेरी कहानी की मैं बात बताऊं, मैं वो उसका फोटो लेना मेरे को लेना चाहिए था, अभी याद आई। हीरा फेरी कहानी पुलिस के भ्रष्टाचार की कहानी है। ये एक दो पुलिस वाले, उनको कभी कहीं ट्रांसफर करते हैं, दोनों को इकट्ठे करते हैं, कभी किधर कभी किधर, तो वो अपना धंधा नहीं छोड़ते। कभी स्कूटर वाले को पकड़ते हैं, स्कूटर वाले नहीं मिले तो किसी ठेले को पकड़ते हैं, वो ठेले वाले को पकड़ते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने तो ओवरलोड करवा दिया, ये तो बैल मार देंगे तुम, ये तो तुमने बैल मार दो कि तुमने ओवरलोड करवा दिया है, बैल मार देंगे। पैसा लेता है, फिर बैल भी ठीक हो जाते, बैल भी चलते, बैल मरते नहीं। वो कहानी उन्हीं दिनों में एक पुलिस वाले ने हाई कोर्ट में कर रखा था केस, और वो जीत गया। वो किसी अपने अफसर की भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, उसकी इंक्वायरी की बात कर रहा था जो हो नहीं रही थी, और वो हुई। और वो अखबारों में जब छपी, लोगों ने पढ़ी, मैं उन दिनों मुंबई में था, उसी दिनों में मेरी कहानी हेरा फेरी जनसत्ता में छपी, जनसत्ता में वो कहानी छपी। किसी के दिमाग में आया, वो भी हेरा फेरी की थी, किसी के दिमाग में आया, उसने उस कहानी की फोटो स्टेट करी और पुलिस बैरिकेड के ऊपर लगा दी सब जगह, पुलिस बैरिकेड। मैंने फोटो, मैं जब देखा मैं बोला ये हेरा फेरी लिखा है क्या, अब जाकर के देखा तो मेरी कहानी, अरे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। लेकिन तो मैंने उसका फोटो ले लिया, मेरे पास है फोटो। तो ये आत्म ये यहाँ ही रस निष्पत्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सारी कहानियाँ ही बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं भी नहीं मानता हूँ कि मेरी सब कहानियाँ अच्छी है। मेरी कहानी वही अच्छी है जो पिया मनवाए, दुल्हन वही है जो पिया मनवाए। एक मित्र ने मेरे से पूछा कि भाई ये अकाडमी वाले आपको ही क्यों बुलाते हैं, आपको बड़े चौड़े। मैंने उसको नमस्ते की, मैंने उसको बोला भाई ये फिल्म वाले ये इसको
ये क्या नाम है, सलमान खान को क्यों लेते हैं, मूर्ज मार को क्यों नहीं हीरो बना लेते, और लोग सलमान खान की ही फिल्म क्यों नहीं देखते हैं। एक बात सुन लेना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा सलमान खान हूँ, नहीं 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 नहीं, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया भाई, मेरे को बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, आपको भी बुलाएंगे, अभी तो कोरोना है ना, लंबा चलेगा ना, आपको भी बुलाएंगे और मेरे को भी बुलाया तो कोई बात नहीं, अगर बुरा लगता है मेरा आना तो भाई बोल दो ना, हम सल्यूट करेंगे। अरे कहानियाँ और कहानियों के ऊपर क्या चर्चा करूँ मैं, ये हो गया इसका। और ये एक कहानी आपको बताऊँ, 2013 में छपी थी किसी पत्रिका में, मेरे को याद नहीं है, और ये चलती का नाम गाड़ी है, इसमें छपी है ये कहानी है, हिंदी चिन्नी भाई भाई, हिंदी चिन्नी भाई भाई। अरे ऐसा नहीं कि मेरी बड़ी दूरदृष्टि है, मेरी बहुत, मैं उस वक्त ही सोच लिया था कि हिंदी चिन्नी भाई भाई फिर आएगा, जो 62 में आया वो आ गया। ये कहानी मेरे को, ये अभी जो मैंने तैयारी करनी थी कहानियाँ किताबें, वो मेरे को मिल गई, ये मैं भी भूल गया था। अरे 2013 में छपी मेरी कहानी हिंदी चिन्नी भाई भाई, ये कहानी है जो चाइना से सामान आता है, ये उस पर है, एक कुम्हार की कहानी, जो कुम्हार गर्मियों में घड़े बनाता है, उसके घड़ों को लोग तिलांजलि दे रहे थे होते हैं, उसके अपने बच्चे उस काम में नहीं आते हैं, ये उसकी कहानी। अरे हमने सरकार के ऊपर एक व्यंग्य किया है, वो व्यंग्य ये है कि तुमने उस कुम्हार को अपग्रेडेशन क्यों नहीं की भाई, वो तो अनपढ़ था, तुम उसकी अपग्रेडेशन करते तो चाइना से क्यों लेते, वो दिए, उसके दिए नहीं बिक रहे हैं दिवाली में चाइना की, वो बिली 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 वो बिक रहे हैं, लोग चाइना का लग रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं कि चाइना का। अरे किसकी कमी है, ये किसकी कमी होगी भाई, ये कमी जो योजना बनाते हैं, जो दूर नहीं सोचते। ये 2013 की बात है, इस सरकार से भी पहले की सरकार, मेरे को किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जो चोट मेरे को उस वक्त भी लगती थी, जो आज भी लगती है, वो लगती है। ये कहानी 2013 की है, और उस वक्त से ही हर एक चीज में जो आया, जो चाइना का लिया, जो आया, जो ये क्या बोलते हैं इसको, फर्नीचर चाइना का, कपड़े चाइना के, ऐनक चाइना की, फोन चाइना के, अरे सब कुछ चाइना का, चाइना के। तुम क्या करते हो भाई, तुम बेचते हो क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते क्या, तुम करो मेरे, इसलिए हमने लिखा है, लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं है, मेरी बात राजा तक नहीं पहुंची होगी, कौन पढ़ता है गंगाराम को, और लेखकों ने भी लिखा होगा, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी लिखा होगा इस द्वार के लिए, लेकिन कौन ध्यान देता है। अरे पुराने समय में, आप पुराने समय को देखो, राजा अकबर ने 9 रत्न रखे थे, वो 9 रत्न क्या थे, वो रत्न नहीं थे जेब में लगाने के पहनने के रत्न, वो दिमाग के रत्न थे, उनसे जो बात निकलती थी उसके ऊपर वो फॉलो करता था, हर एक बात का समस्या करता था, अरे वहां से सीखना चाहिए। पुरानी बातों में कहां हम लोग कहां पहुंचते हैं, क्या होता है वो, हम उसको वहां से हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं। ये एक बार पंडित नेहरू जी के साथ दिनकर जी जा रहे थे, पंडित नेहरू जी का साथ साथ चल रहे थे, वो बड़ा सम्मान करते थे, निराला जी का बहुत सम्मान, अपने भाई बोलते थे निराला जी को, भाई एक स्टेज के ऊपर वो भाषण दे रहे थे, निराला जी आगे बैठे रहे थे, तो उन्होंने भाषण ये शुरू किया कि एक माँ के दो पुत्र,
एक बहुत लायक जो सामने बैठा है, और दूसरा थर्ड विजन जो फेल होता है वो यहां मैं बैठा। वो इतना तवज्जो देते थे लेखों को। जब वो पौड़ियां चढ़ रहे थे या उतर रहे थे, मैं अब भूल रहा हूं, तो फिसल गए, और एकदम से दिनकर जी ने उनको संभाला। और दिनकर जी ने क्या बात की, दिनकर जी ने बोला कि जब जब भी राजनीति गिरेगी ये सत्या उसको संभालता रहेगा। कितनी बड़ी बात की है। अरे मार्गदर्शक को होता है सत्याकार, और वो सत्याकार ही नहीं है जो चाटुकार होता है, सत्याकार वो है जो बुराई देखता है, अपने राजा को इंगित करता है ताकि वो समाज की सेवा कर सके, एक उत्थान की तरफ जा सके। मैं एक पत्र आप लास्ट में पढ़ूंगा, उसमें मैंने बहुत कुछ, वो मेरा लेख है, उसमें थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने। हमारे जो जितने कर भी विश्व प्रसिद्ध राइटर हुए, वो सभी राइटरों ने बोला जब तक आप इस एयर कंडीशन से एसी से बाहर नहीं जाओगे, जब लोगों के बीच में नहीं घुसेंगे, तो आप क्या लिखोगे, लिख नहीं पाओगे, झूठा होगा आपका लिखना। जब कांटा स्वयं को नहीं चुभेगा तो तुम उसका वर्णन कैसे कर सकते हो भाई। आपको एसी रूम से बाहर निकलना होगा, चाटुकारिता छोड़नी होगी, सच्चाई के ऊपर सत्य के ऊपर आधार रखना होगा, उसको रखिए। अच्छा साहित्यकार हमेशा ही राज सत्ता का विद्रोही होता है। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नुस्से नशे में भूल गई आपको, नागार्जुन ने गाया उनके मुंह के ऊपर, और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जब उनका देहांत हुआ तो उनकी प्रशंसा भी की कि आप थोड़े देर और जी लेते तो देश के लिए हित होता, और उनका हमेशा ही टकराव सत्ता से रहा है। इसलिए ही अपोजिशन का होना बहुत अच्छा है, और सत्ताधारियों को अपोजिशन का मान्यता देना, उच्च सत्ता पर बैठना हो। अरे आप में तो वो बात होनी चाहिए, जो आपकी वो समझ होनी चाहिए, को जो अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा, वो समझ होनी चाहिए, वो समझ सभी की आनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था हिंदी चिन्नी भाई भाई, ये चलती का नाम के गाड़ी में ही गाने, ये ढूंढते ढूंढते मेरे को मैं भूल गया था, ये हिंदी चिन्नी भाई भाई, ये चिन्नी, ये सरहद पर ही अटैक नहीं करता है, ये बीच में जाकर के अटैक करता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे ऊपर अटैक करता है, हमारे हर एक चीज के ऊपर अटैक करता है चिन्नी। और एक बात और मैं बता दूं कि चाइनीज जो सत्ताधारी हैं वो आदमी की कदर नहीं करते, उसको आदमी कोड़े मकोड़े की जैसा है, उसको वैसे कुचल देता है। आपको मालूम नहीं चाहिए कि आज से 4-5 साल पहले 65,000 युवक गोलियों से भून दिए थे उसने, जब विद्रोह होने लगा चाइना। अरे तुम किस पे राज करोगे, जब जनता ही नहीं रहेगी तो क्या राज करोगे भाई। जनता का मेरे को टाइम का पता नहीं चल रहा है, टाइम हिरेंद्र जी मेरे को शर्मा जी अगर टाइम भी बता दें तो मैं हाँ उसी तरह से चलता रहूँगा फिर। हाँ मैं बात कर रहा था कि मैंने तो कुछ बातें भी करूँ कि मेरे जो 9 उपन्यास, अब मैं उपन्यासों के ऊपर आता हूँ, मेरे नौ उपन्यास हैं, तो उनका मैं जिक्र करता हूँ। एक तो मनमंथन की मैंने आपसे जिक्र किया, भैरव कभी नहीं मरा, मेरे को अकाडमी ने
एक थी रानी खैरीगढ़ी पर पुरस्कार दिया है, लेकिन मेरा मजा भैरव कभी नहीं मरा पर है। मेरे को अच्छा उपन्यास लगता है भैरव कभी नहीं मरा। जो बलात्कार की घटना हो रही है, अरे बलात्कार आज का नहीं है, बलात्कार हमारे इंद्र को देख लो, इंद्र राजा हुआ, बलात्कारी हुआ प्राचीन समय से। क्यों फ्राइड का ये जो उन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है कि ये इंस्टिंक्ट इतनी भारी है, लेकिन कानून से नहीं बलात्कार हटाया जा सकता। जिस देश में अपराध, कोई भी अपराध कानून से नहीं हटाया जा सकता, ये आपकी अपनी संस्कृति से हटाया जा सकता है, आपके जो दिनचर्या है, जो माहौल है, उससे इसको दूर किया जा सकता है। अगर जहाँ इतने जहाँ पर आपने सुना है कि मोमडन्स कंट्री में चोर करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, बहुत इसका अपराध करने के लिए गोली दी जाती है, वहाँ भी अपराध होते हैं। क्यों होते हैं अपराध? इसलिए होते हैं कि ये जो अपराध है, डॉक्टर करम सिंह जी ने मेरे को बोल दिया कि सीमा कोई नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। अरे बूढ़ा भी हूँ सर, कितना बोलूँगा, बोल अभी तो बोलता हूँ मैं, ठीक है चलता रहूँगा जी। जो अपराध है ये हमारा एनवायरनमेंट तैयार करना होता है। जिस घर की संस्कृति अच्छी है उनके बच्चे अच्छे निकलते हैं, उनके बच्चे कभी गड़बड़ नहीं करते हैं और वो अच्छी जगह पर पहुँचते हैं वो बच्चे, तो ये हमारा वो एनवायरनमेंट। ये मैंने भैरव कभी नहीं मरा, ये जो भैरव वो दुर्गा माता के पीछे जो भैरव भी भागा था, वो बलात्कार करने के लिए तो भागा था वो तब से, और माता ने उसको छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा, मेरे समझ में नहीं आता है। मैंने उसके ऊपर मनन किया है कि और समझ किसी अर्थ में भी नहीं पहुंचा कि माता ने ये क्यों बोला, या तो आने वाले लोगों ने इसको घड़ा है कि माता ने ये बोला कि जब मेरे दर्शन करोगे तो भैरव के दर्शन जब तक तुम नहीं करोगे तो मेरे दर्शन सफल नहीं होंगे। क्यों कहा? शायद इसलिए कि बुरा करने का नतीजा देखा उसको काट दिया जाता है, शायद मैं ये सोचता हूँ। अब पता नहीं इसके पीछे क्या है। खैर, इस कहानी का जो पात्र थे वो मेरे को जो मनमंथन से भी पहले से दिमाग में घूम रहे थे और घूमते रहे, और जब मेरे को वक्त मिला तो मैंने इसको लिया। 350 पेज का ऊपर का मैं ग्रंथ लिखा है, बहुत बहुत अच्छा। कई लोगों ने तो बोला कि इसमें आपने कुछ वो गंदा लिख दिया है। मेरी समझ में हो सकता है लिखा होगा, लेकिन मेरे से बड़े बड़े जो उपन्यास हैं जिनको मान्यता मिली है वो उसमें तो बहुत गंद होता है। मेरा उपन्यास में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात को नकारता नहीं। लिखा है तो आगे मैंने थोड़ा सा सुधार किया है कि इस बात का मैं जरूर ध्यान रखूंगा। एक मेरा फिर उसके बाद जो उपन्यास आया वो छली गई मेनका। छली गई मेनका में उपन्यास पढ़ने के से पहले इसमें जो मैंने दो शब्द लिखे हैं वो हर एक लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी उपन्यास के लिखने जो छपने आ रहा था, इसके दो शब्द लिखने के लिए मेरा प्रकाशक मेरे को जिद कर रहा था। उन दिनों मैंने काशीनाथ जी के उपन्यासकार काशीनाथ जी के बनारस उनके पास था, तो उन्होंने जो बात मेरे को कही है और उस जो बात उन्होंने कही है वो घर का जोगी जोगड़े में भी कही है वो इसमें उल्लेखित। मैं थोड़ा अगर इसको ज़्यादा बोलूँगा तो शायद आप लोग वो फिर बड़ा बोर तो नहीं हो जाएंगे, तो लेकिन मैं एक क्योंकि मैंने और भी बात कहनी है। इसमें एक पंक्ति एक पैरा पढ़ लेता हूँ, सिर्फ बड़ा छोड़ देता हूँ।
उनके बड़े भाई नामर सिंह जी बोलते हैं काशीनाथ जी को, देखो बड़ा कथाकार वो होता है जो जोविल मूड में लिखे, जो लिख रहा है वो उस पर छा जाए। जैसे प्रेमचंद जब बूढ़ी काकी को में खाने का वर्णन करते हैं, पूड़ी तरकारी चटनी रायता, तो ऐसा लगता है जैसे खुद खा रहे हैं या थाली सामने परोस रखी हुई है और उनके मुंह में पानी आ रहा हो, जो पढ़ रहे वो पानी आ रहा हो। हमारे भाई लालित्य जी जब सुबह शाम खाते हैं कुछ खाना तो उसका फोटो फेसबुक पे डालते हैं और वो उधर डालते हैं दिल्ली में, हमारे यहाँ पानी आ जाता है। ये नामर सिंह ने लिखा कि जब आप किसी बात का भी वर्णन करोगे तो उसमें वो उसका जुबली मूड होना चाहिए, बहुत अंदर घुस के लिखना चाहिए उसका वर्णन। और उन्होंने आगे लंबा है, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जब उसके बाद कोई लिखने वाला अगर आएगा उसके बाद, अगर तुमसे ज्यादा लिखेगा वो अच्छा लिखेगा तो तुम्हारी कृति पीछे पड़ जाए, डाउन पड़ जाए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था फणीश्वरनाथ रेणु का, अरे गांव पे सबने लिखा है, मैंने भी लिखा है, मेरे हमारे दोस्तों ने भी लिखा है, हिमाचल के दोस्तों ने भी लिखा है, लेकिन जो बात फणीश्वरनाथ रेणु के मैलांचल में है आज कोई भी उससे ऊपर नहीं उठ पाया है, तो वो इसी पे जोर देते हैं कि भाई आप जो भी लिखोगे वो उसमें घुस करके लिखो ताकि उसके बाद जो लिखने वाला वो फीका लगे, तो उसकी मेहनत करे। हाँ, अब इसी संदर्भ में इसको मैं बंद करता हूँ, ये इसी संदर्भ में जो मेरा एक उपन्यास अभी आने कोरोना की वजह से आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, आ गया है, सिंध का गांधी। ये उस आदमी की कहानी है स्वामी कृष्णानंद जी की, मंडी के। अरे बड़ा क्या मस्ती का आलम था उनका स्वतंत्रता आंदोलन में, स्टोरी के लिए उपन्यास है मेरा मंडी के ऊपर ही। मंडी कॉलेज से डॉक्टर पुष्प राज कपूर जी बॉटनी के प्रोफेसर, नौकरी छोड़ी यूएसए चले गए, मेरा उपन्यास एक थी रानी खैरीगढ़ी वहाँ अमेरिका में पढ़ा, एक उपन्यास था। अमेरिका में जितने कर भी रहने वाले मंडी के थे वो आते, उनसे उपन्यास मांगते, उसने बोला ना उपन्यास नहीं दूंगा, मेरे घर आओ रोटी खाओ रात यहाँ रहो और उपन्यास पढ़ो। तो लोग आते गए, उपन्यास पढ़ते गए, गंगाराम मशहूर होता गया, डफली बजती गई गंगाराम। हाँ, एक बात मैं बीच में अभी आता है कि अभी बोल लेता हूँ, जो भैरों कभी नहीं मरा इसका उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, और इस उर्दू का ट्रांसलेट मुझे लगता है कि असली उपन्यास से अधिक रोचक ये बन पड़ा है। उर्दू अकादमी लखनऊ ने इस व्यक्ति को, ये प्रोफेसर रिटायर हुए हैं अब्दुल बारी एमके, इनको उन्होंने सम्मानित किया, बिहार की उर्दू अकादमी ने इनको सम्मानित किया, मेरे को नहीं, मेरा नाम जरूर लिया गया, इसको सम्मानित किया गया। मैं चर्चा इसलिए है सात समुद्र पार की कि इस उपन्यास की, इसमें मेरा फोन नंबर भी है, मेरे को सऊदी अरबिया से ईरान से एक लड़की जेएनयू में ईरान में उर्दू में वहाँ सर्च कर रही है, उसका फोन आया ईरान से, सऊदी अरबिया से आया, अबू धाबी से आया और दुबई से आया। मैं एक बार अभी दुबई गया था तो फेसबुक के ऊपर जब मैंने दुबई के फोटो डाले तो उसका फोन आया, कहते सर आप दुबई आए और हमसे नहीं मिले, और सच कहूँ मैं तो भूल गया था कैसे मिलता, यही बोला मैंने उसको, ये कैसे मिलता,
और कैसे मिलता है, मैं से मिलने से डर लगता है, और वो भी उसमें कि अपनी घरवाली साथ हो, डर तो लगता है, शायद आपको नहीं लगता हो, हमें लगता है। खैर वो बात है, मैं गप में मार रहा हूँ। तो वो ये वो उपन्यास की मैं बात कर रहा था, रानी खैर की, उन्होंने मेरे को क्यों ये उसको उनकी बात आई, पुष्पराज की, डॉक्टर पुष्पराज जी, वहाँ उनका बहुत बड़ा काम है, उनको मेरे ख्याल 30-40 साल हो गए वहीं, बच्चे भी वहीं हैं, तो उनका बड़ा काम है उनका। उन्होंने मेरे को बोला, कहते भाई गंगाराम, मैं बोला बोलो जी। उन्होंने मेरे को बुलाया, जब वो आते हैं तो अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं, मैंने तो पहली बार मिला उनको, तो मेरे को दिनू कश्यप जी के साथ मैं भी गया, मेरे को दिनू कश्यप जी के माध्यम से बुलाया गया था, मैं भी गया। बोले भाई गंगाराम, मैं जी मैं हूँ गंगाराम, एक काम दे रहा हूँ आपको। मैंने बोलो सर, काम ये है कि आप इनकार ना करेंगे। मैं बोलूँ मैं करता इनकार तो मैं करता ही नहीं हूँ, किसी को नहीं करता हूँ, आपको कैसे करूँगा, आपने तो मेरे को सास मुद्दे पार पहुँचा दिया, मैं कैसे करूँगा। कहते हमारे यहाँ पर मंडी में स्वामी कृष्णानंद जी हुए, मैं बोलूँ जी बिल्कुल हुए, मैं नौवीं पढ़ता था उनसे मिला था। कहते उनके चरित्र के ऊपर आप लिखिए। मैंने उनको ये कहा कि मैं कोशिश करता हूं सर, मैं कोशिश करता हूं। नहीं नहीं, कहते कोशिश नहीं है, मेरे को चाहिए उनके ऊपर, किसी ने नहीं लिखा वो, और मैं उनको अंतर तक जानता हूं, वो बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए, देश के लिए बहुत काम किया उन्होंने, तो आप जरूर लिखिए। बात आई गई होती, दिमाग में घुस गया, मैंने फिर लिखना शुरू किया, जो मैं उस आदमी के अंदर जाता गया, अरे जाता गया, बहुत से मटेरियल इकट्ठा हुआ, और स्वामी कृष्णानंद जी सचमुच में महान आदमी है, इलेक्शन में भी खड़े हुए, 2 बार MLA बने, 3री बार सुखराम जी ने इनको हरा दिया, क्यों राया मैंने खोजा है, उस उपन्यास में मिलेगा। और इनका एक चैप्टर, जो इसी उपन्यास का एक चैप्टर, त्रेवां चैप्टर, उसको जरूर पढ़ना, बाकी उपन्यास पढ़े आप चाहे नहीं पढ़े, लेकिन उस उपन्यास के उस चैप्टर को जरूर पढ़िए। स्वामी कृष्णानंद जी क्यों हुए, हरदेव से कृष्णानंद जी क्यों हुए, वो उसमें है। अरे क्या बात है उस आदमी की, क्या कष्ट झेले, आत्महत्या की, उस ऊपर वाले ने बचाना था देश के लिए, उसने बचाया, कूद करके लोगों ने समुद्र के जो जहाज के जो रक्षक होते हैं उन्हें कूद करके उनको बचाया और बचे, और वो वही बात हुई जैसे क्रिकेट के किसी को एक बार लाइफ मिल जाए, क्रिकेट के खिलाड़ी को, तो फिर देखो छक्के छक्के लगते हैं, चौके छक्के चौके छक्के, बाबा चारों तरफ बाबा, उस आदमी को मिली। उस आदमी ने 23 साल सिंध में गुजारे हैं, और वो आदमी सिंध से तब तक नहीं आया जब तक सारे हिंदुओं को, 1.5 लाख हिंदुओं को बंबई में समुद्र के रास्ते से नहीं बचाया। अरे मैंने ये इसको 2 साल हुए मेरे को इसको रिसर्च करते हुए, बंबई सिंधवासी बंबई उसको अपना माई बाप मानते हैं, एक एक के पास गया मैं, बहुत खोजा। और ये इसका चैप्टर 23 जो है, 23 चैप्टर, इसको लिखते हुए मेरे को 1 महीना हुआ, एक चैप्टर 3 पेज का, 1 महीना हो गया। आपको कुछ अंश इसके सुनाता हूं जी, इसके कुछ अंश ही आपको सुनाने जा रहा हूं, बीच में छोड़ करके, और भाग करके यहां से, अंग्रेजों से भाग करके वो ऋषिकेश पहुंचते हैं, ऋषिकेश पहुंच करके वो वहां पर
एक स्वामी जी के पास, भुवनानंद स्वामी जी के पास पहुंचते हैं। तो भुवनानंद स्वामी, मैं पूरा नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहता था तो लग गया, मैं भी थकने लगा हूँ तो, और शायद मेरे को टाइम का नहीं पता लग रहा है, टाइम भी हो गया होगा तो हो रहा है, तो मैं इसके कुछ अंश आपको ये छोटा सा इसमें से ले करके। स्वामी कृष्णानंद जी हमारे ने इनका कृष्ण बानू का फोटो देख रहा हूँ साथ में, उसे इससे लिंक हो रहा है, कृष्ण बानू जी भी बहुत खोजते हैं। अरे हम तो बचपन में इनकी कलाम देखते थे, हम बोला यार इतना बड़ा खोजी, हमारा दोस्त था चंद्रमोहन, उनका उनका दोस्त है कृष्ण बानू जी, और वो कृष्ण बानू जी एक ही चीज को जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंचते ना, जब तक नहीं वो उसको अखबार में डालते थे, और डालते थे बहुत पत्रकार ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके लिखता, हम उनको सल्यूट करते हैं, सल्यूट बानू जी अगर देख रहे हैं मेरे को तेरे को सल्यूट है जी। हाँ तो मैं अपने बात पे आता हूँ, भुवनानंद जी के पास जब स्वामी कृष्ण, स्वामी अभी बने नहीं थे, हरदेव जी जब उनसे पूछते हैं, उनको शंका दिमाग में चल रही होती है, तो वो पूछते हैं स्वामी भुवनानंद जी के, उनके ऊपर एक शंका उनको देख ले, स्वामी जो हैं देव उनको हुई, तो उन्होंने स्वामी जी ने उनसे पूछा कि बस कुछ शंका मन में चल रही है, कुछ पूछना चाहते हो? स्वामी जी ने हरदेव को बैठते ही उससे पूछ लिया, हरदेव, उनका नाम हरदेव था, अभी स्वामी नहीं बने थे, जी जी स्वामी जी, हरदेव जी स्पष्ट थे, बोला कि जी स्वामी जी। स्वामी जी की आंखों में देख हरदेव के मन में अर्जुन की तरह प्रश्न उठ रहे थे, हरदेव ने हिम्मत करके स्वामी जी से पूछा, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है स्वामी जी? वो भागते रहे, तो पूछते हैं कि जी अपनी शादी के 2-3 दिन के बाद ही वो भाग गए थे, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, सीधी शादी नहीं होती है जिंदगी, और जो जिंदगी में जो जीवन में ये असली जीवन जीता है बड़ी कठिन है डगरपन घट की। हाँ और मैं इधर उधर हो जाता हूँ, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है स्वामी जी? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम जीवन के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि ये जीवन को कठिन करता है, केवल जीवन को जियो। स्वामी जी ने बोला, हरदेव बोलता है फिर भी हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? स्वामी जी गंभीर होकर के बोले, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम दुखी रहते हो। हरदेव फिर पूछता है, मैं समाज के हित के लिए ही हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ, फिर भी लोक कल्याण करते हुए भी इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखो बस ध्यान से सुनो, हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता, और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता, अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना कष्ट भुगतना नहीं हुआ, ये परीक्षा है, यही तो परीक्षा से गुजरना हुआ। स्वामी जी की अपनी आंखें बंद करते हुए आगे बोले स्वामी जी, हे बस अनुभव से जीवन सुखद बनता है ना कि दुखद। हृदय चेपून की बातों को मनन करने लगा, एक लंबी सांस छोड़ते हुए स्वामी जी फिर बोले, अनुभव एक कठोर शिक्षक है, ये इस बात को सुनिए अभी, अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है बाद में पाठ पढ़ाता है। जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर तुम बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कहां जा रहे हैं, बस ऐसे समय में अपने भीतर देखो, सुनो, आंखें दिशा दिखाती हैं और दिल रास्ता। हरदेव ने फिर पूछा, असफल होना या सही दिशा में ना जाना क्या ज्यादा दुखी करता है? स्वामी बोले, सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं,
और संतुष्टि को आप स्वयं। हरदेव को स्वामी के उत्तरों से संतुष्टि हो रही थी। कठिन समय में अपने को प्रेरित कैसे करना चाहिए, अगला प्रश्न पूछते हैं। आप कितने दूर आ चुके हो बजाय ये देखने की कि हमेशा देखो कि अभी कितने दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखें ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, यह नहीं कि क्या नहीं मिला है। स्वामी जी एक आखिरी सवाल, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो बस कोई भी ऐसा प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई ना हो। विश्वास रखो और भय मुक्त हो। जीवन एक पहेली है सुलझाने के लिए, कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा नहीं जाए। उस पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है। अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहो। जैसे समुद्र तट पर समुद्र की लहरें रोज प्रहार करती हैं, हम सोचते हैं कि लहरें तट का क्या बिगाड़ सकती हैं, और फिर लहरें अपना परिश्रम नहीं छोड़ती, परंतु कुछ समय बाद देखोगे कि तट टूटा हुआ मिलता है। स्वामी और हरदेव दोनों चुप रहे। स्वामी जी हरदेव की ओर लगातार देखते रहे। हरदेव ने अपना सिर स्वामी जी के चरणों में रख दिया। स्वामी जी ने हरदेव की पीठ पर हाथ रखा और बोले, बस मुझे लग रहा है कि अब तुम सन्यास की ओर इसी आयु में बढ़ रहे हो। महाराज, हेलो, हाँ जी महाराज जी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि सन्यास क्या होता है, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब मैं एक नई दुनिया में जा रहा हूं जहां मुझे सब अपने लग रहे हैं, सब में उसका रूप देख रहा हूं। महाराज जी, एक बार तुम्हारी तरह ही देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के भाग लेने वाले पंडित सरदाराम फिलोरी भी कुछ दिन यहां रहे। जब आदमी के दिमाग में कई तरह के दबाव पड़ते हैं तो वह इन पहाड़ों की शरण में आत्मसंतुष्टि के लिए चला आता है। गुरु गोविंद सिंह के दिमाग में जब औरंगजेब के कारनामों से जूझने का दबाव पड़ा तो उस दबाव के निवारण के लिए वे भी यहाँ पहुँचे थे। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी कुछ समय यहाँ रहे, फिर अपने रण क्षेत्र को गए। जी स्वामी जी हरदेव की ओर देख करके आगे बोले, आज मैं आपको एक महान व्यक्ति की बात सुनाता हूँ। पंडित श्रद्धा राम शर्मा जी जलंधर फिर्फ लाहौर के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी, कवि, साहित्यकार और ज्योतिष भी थे। आज मैं उन्हें क्यों याद कर रहा हूँ? हम जो आरती सुबह शाम यहाँ गाते हैं, ओम जय जगदीशा हरे, उन्होंने यह आरती यहाँ बैठ कर लिखी थी। उसकी धुन भी उन्हीं की है। आज उन्हीं की धुन, उन्हीं की ही यह आरती हिंदुस्तान के हर हिंदू के घर में, मंदिर में, धार्मिक उत्सव में गाई जाती है। बड़ी बात तो यह है कि इस आरती के रचयिता के नाम का बहुत कम लोगों को पता होगा। हम यहाँ आने वाले भद्र पुरुषों को उनके बारे में बताते हैं। हम यहाँ उन्हें बहुत याद करते हैं। पंडित सदाराम जी पर यह कहावत पूरी बैठती है, नेकी कर और दरिया में डाल। अब हरदेव स्वामी जी की ओर ना देख जमीन की ओर देखने लगा। तभी स्वामी जी ने हरदेव की पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस अब तुम जो वस्त्र पहने हो उसे त्याग दो और सन्यासी के वस्त्र धारण करो। तुम्हारा नया जीवन आज के बाद आरंभ होता है। मैं तुम्हारा गुरु स्वामी भूमानंद तुम्हें स्वामी की उपाधि देता हूँ। अब तुम हरदेव नहीं रहे, अब तुम स्वामी कृष्णानंद हो। आज के बाद तुम स्वामी कृष्णानंद के नाम से पुकारे जाओगे और मेरी शिक्षा का प्रसार करो। मानव कल्याण के लिए कटिबद्ध रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, जग का कल्याण हो, करो शुभकामनाएं। मैं इस बात को यहीं बंद करता हूँ। हमारी बिजली चली गई है, पर मेरे को मालूम था कि बिजली चल जानी है, तो मैंने एक वो यहाँ एमरजेंसी लाइट रख ली थी। अब मैं बहुत चीज़ें नहीं देख पा सकता हूँ, तो मैंने ये एक उपन्यास उसके बाद, हाँ मैंने अभी एक, मैंने आपको बहुत सी बातें सुनानी थी,
तो बिजली के जाने से नहीं सुना पाया मैंने। ये मेरी किताब अभी आने वाली है, मेरे संस्मरण, जो आपको हर संडे को एक वीडियो करके मैं उनको आपको दिखाता हूँ। वो उसके भी कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। बहुत सुंदर बातें मेरे को लगती हैं, आपको पता नहीं लगती कि नहीं, वो बातें उसमें है। वो पुस्तक अभी एक दो हफ्ते में आने वाली है, आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है वो पुस्तक। तो उसी से मैंने बहुत सी अपने जीवन की बातें उसमें लिखी हैं। 300 पृष्ठ की वो पुस्तक है, उसमें बुंजा खंड है, जिसमें 26 खंड हास्य व्यंग्य के, जो आप भी देखते होंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, खूब मस्ती मारते, हमारा जीवन बड़ा साफ सुथरा रहा है, जो किया वो सामने किया, खूब मस्ती मार करके हमने वो जीवन निकाला है। तो वो जो पुस्तक है, दिल ने फिर याद किया, वो आपके सामने, उसके मैंने कुछ अंश आपको पढ़ाने थे, लाइट ना होने की वजह से नहीं मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। एक मेरी जो उपन्यास है, बड़ा चर्चित उपन्यास है, ये प्रगतिशील के वालों के बीच में बहुत चर्चित हुआ है उपन्यास, 2 और 2 5 ये उपन्यास। इस उपन्यास में मैंने किसानों के आंदोलनों की बात की। आज का किसान जो खेत में बैल से खेत चलाता था, हमारा किसान मशीनी युग हो गया है। पहले बड़े ट्रैक्टर थे हमारे पहाड़ों में, वो पहाड़ों हमारे पहाड़ों में बैल से ही जोता जाता था। लेकिन जो व्यापारिक नीति है, जो व्यापारी है, वो तो खोज रहा है ना कुछ नहीं, उसने छोटा सा ट्रैक्टर बना दिया। और फिर किसान के घर में, किसान के जो सोचने लगा, किसान का बेटा जो सोचने लगा, अरे मैं क्यों गोबर उठाऊं, मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं, कभी सिंग से मारता है, कभी कुछ करता है, मैं क्यों, मैं तो छोटा सा ट्रैक्टर चला करके अपना खेत करूंगा। अब वो छोटा ट्रैक्टर आने लगा, वो छोटा ट्रैक्टर हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात हो गई है, जो ये भ्रष्टाचार की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। वो ये असली बात है जो इसमें वर्णित है। एक किसान, गवर्नमेंट अच्छी योजना बनाती है, लेकिन उसको उसका कार्य रूप जो है वो लोगों ने करना है ना। तो बैंक मैनेजर उससे पैसा, जब उसको लोन देता है, 4% ब्याज पर लोन देता है, सरकार की सब्सिडी देता है, तो बोलता तेरे को सब्सिडी भी मिलती है, लो इंटरेस्ट भी कम मिलता है, मेरे को क्या मिलता है। वो उससे पैसे खाता है, और वो बेचारा उस आसमान के बारिश पे उसका खेती होती है, उस पर निर्भर होता है, वो किस्तें नहीं कुछ चुका पाता जब उसके फसल नहीं अच्छी होती। तो वो जैसा आदमी बड़ा, वैसा मेरा किसान में जागृति आई है, वो आंदोलन करता है, वो किसानों को इकट्ठा करता है, वो सबसे पोल उगाड़ता है कि जिस बैंक मैनेजर ने, जिस पुटारी ने उससे पैसे खाए हैं, जिस बैंक मैनेजर ने उससे पैसे खाए, उसको नंगा किया जाए। ये इस 2 और 2 5 करता है, 2 और 2 4 नहीं करता मेरा किसान, 2 और 2 5 करता है। ये मेरा प्रगतिशील उपन्यास है, एक आंदोलनकारी उपन्यास है, एक जागरूकता का उपन्यास है। आप पढ़िए तो सही यार, और मेरी गलती है बताओ कि इसमें क्या गलतियां है मेरी, क्या नहीं है। बहुत ये आप मेरे को कोई टाइम बता देगा, कोई कितना का टाइम है, मैं चलता रहूं क्या जी। अब तो मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा। ये मेरे जो इसमें जो 26 मैंने आपको धीरे धीरे बीच बीच में एक एपिसोड आपको सुनाना था, दिल ने फिर याद किया था, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट, अगर हमारी लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो तो कौन पढ़ेगा भाई, मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
जब इंटरेस्ट बनेगा, आप हर एक लेखक को चाहिए, और मैं ये कि वो एक इंटरेस्ट ना आए, ये टाइम हो जाएगा तो मैं इस बात को नहीं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा जो लेखकों के लिए है, क्योंकि लेखक ही देख रहे हैं जो 39 से 24 रह गए और बाद में भी शायद देखेंगे। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये बात को इसको लेखकों के लिए जो ध्यान से सुनेंगे, साथियों साहित्य और संस्कृति साथ साथ सदियों से यात्रा करते रहे हैं, परंतु इस वैश्विक युग में दोनों पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि इस विश्व बाजार में पूंजी ही मान बनकर के उभर रही है। पूंजी युवाओं के साथ बुजुर्गों का मन भी अपनी ओर आकर्षित करने में अग्रसर है। परिणाम स्वरूप हमारे परिवार टूटते बिकते नजर आने लगे। परिवार विखराव, संस्कृति अमूल्यन, सामाजिक भाईचारे का ना होना आज के संदर्भ में उभर कर आ रहा है। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति संवेदना ना के बराबर ही है। घर घर में विखराव का जन्म होने लगा है। इस समय एक दूसरे की सहायता की क्या उम्मीद की जा सकती है। माँ बाप के सामने बलात्कार की घटना होने लगी है। कड़े कानून के बावजूद भी घटना घटने के बदले बढ़ने लगी हैं। यदि बड़े कड़े कानून व्यवस्था के से स्थितियां ठीक हो जाती तो ऐसे देशों में जहां कानून में अपराध की सजा इतनी कठोर है वहां कोई अपराध ही नहीं होता, परंतु वहां भी अपराध बढ़ ही रहे। इससे उपाय की खोज करें तो मनुष्य के मन में मानव के प्रति संवेदना, भाईचारा, प्यार, सहयोग आदि का जागना ही पड़ेगा। और यह काम जितना लेखक सांस्कृतिक कर्मी कर सकते हैं उतना दूसरे नहीं। इतिहास गवाह है कि साहित्यकार हर दौर में अपने सृजन कर्म से जो व्यक्त करता आया है वो इस समाज को शक्ति, वो इस समाज की शक्ति बनती रही है। आज विश्व पर नजर डालें तो हम महसूस करेंगे कि देश और दुनिया आज पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रही है। नव साम्राज्यवादी खतरे आज दुनिया के सामने हैं। इसे भूमंडलीकरण का युग कहा जाता है, जहां आज सांस्कृतिक विविधता को समाप्त किया जा रहा है। देश में वैश्विक सांस्कृति वर्चस्व के खतरे भयानक होते जा रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति सर चढ़ करके नगन नृत्यांगना की तरह नाच रही है। विज्ञापनों के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसे ही सच मानने की वैधता मानी जा रही है। पहनावे, खान पान, रहन सहन, शिक्षा, संस्कृति, नृत्य, संगीत, स्त्री पुरुष संबंध, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में सर्वत्र विदेशी अपसंस्कृति को थोपा जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विज्ञापन के बल पर घर घर, शहर शहर, गांव गांव तक छा गई है। समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके औजार बन गए हैं। देशी विदेशी के अंतर मिटाए जा रहे हैं। वर्तमान समय राक्षसी वित्तीय पूंजी की बर्बर तानाशाही का काल है। हमें इस बदली हुई दुनिया में लड़ाई लड़नी है। समय, समाज और इसकी चुनौतियों का सामना करना है। देख समझ कर दूर नहीं भागना है। अपने तक सीमित रह रहे लेखकों के लिए कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, एकांत प्रियता मेरी मूल प्रवृत्ति बन गई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि समाज से अलग थलग रहने वाला लेखक मानव जाति से प्रेम नहीं कर सकता। बहुत से लोगों से मिलकर जो अनुभव प्राप्त होता है, अलग रह करके लेखक उससे वंचित हो जाता है। समाज को जानने पहचानने के लिए, उसकी तरक्की की राह का पता देने के लिए यह अनिवार्य है कि हम समाज की नब्ज पर हाथ रखें, उसके दिल की धड़कने सुने। यह तभी संभव है जब हम मानवता के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखें। साहित्यकार का कर्तव्य होना चाहिए कि देश में नवजीवन का संचार करें, जागरण उत्साह के गीत गाएं, हर मनुष्य को आशा और हर्ष का संदेश सुनाएं और किसी को हताशा ना होने दें। इसी संदर्भ में केदारनाथ अग्रवाल कुछ और अंदाज में ललकार के कहते हैं, हारा हूं 100 बार गुनहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर। अब पुनः समय के साथ लड़ाई लड़ने का समय आ गया है।
लड़ाई के मैदान में मोह माया में फंसे लोग और स्वार्थ से बसीभूत साहित्यकारों को माया बुकुसिकी ने जो सुनाया था वह आज भी प्रासंगिक है। व्लादिमीर जो बुकुसिकी रशिया का राइटर हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी हमारे गुलेरी जी की तरह 38 वर्ष की आयु में गुजर गए थे। वो एक्टर भी थे साहित्यकार भी थे। हमारे गुलेरी जी भी 29 वर्ष की आयु में चले गए थे। उन्होंने क्या लिखा, हिंदी में रूपांतर है उनकी कविता का। श्रीमान कवियों, क्या तुम नहीं थके उन महलों राजकुमारियों प्रेम और नरगिस की गुच्छों से, अगर जैसे तुम हो वैसे ही कलाकार होते हैं तो मैं कविता पर थूकता हूँ। इसके बजाय मैं एक दुकान खोलना या दलाली करना अधिक पसंद करता हूँ। तो भाइयों, यही बात चेखव ने भी कही थी कि अगर तुम अच्छा नहीं लिख सकते हो, समाज के लिए नहीं लिख सकते हो तो छोड़ दो, लिखना ही छोड़ दो। तो ये मैंने आपको अंत में बतानी थी। और एक शेर, ये फैज़ का एक शेर में बात करके आपको अंतिम पहुंचता हूँ। माता ये लोह, यानी जिस जो तख्ती उसको बोलते हैं माता लोह। कलम छीन गई तो क्या गम है, अगर तख्ती भी छीन गई जिस पे हम लिखते हैं वो भी छीन गया और कलम भी छीन गई, क्योंकि सत्ता लिखने वालों का विरोध करती है, अगर वो भी छीन गए। कैफ ने उस जमाने में कहा था जब उनका विरोध हो रहा था, वो बोलते हैं आगे अगली पंक्ति में, अगर कलम छिल गई तो क्या गम है कि डुबो ली है खूने दिल में उंगलियां मैंने। मैंने तो जो लिखना है वो तो खूने दिल में डुबो के रखी है, वो लिखता रहूंगा मैं, मेरे को परवाह नहीं है। तो दोस्तों, एक तो हमारी लाइट चली गई और कुछ दर्शक कम भी हो गए काफी, शायद उनकी भी लाइट चली गई होगी। तो मैं बात को बहुत लंबी चौड़ी भी करना चाहता था, खूब हंसी मजाक के मैंने वो जो दिल ने फिर याद किया वो बहुत मजाकिया है, तो इस मजाक में आपका भी मनोरंजन करना चाहता था तो नहीं हो पाया, मैं दूसरी तरफ ही डुल गया, पता नहीं चलता, कुछ आयु भी ऐसी हो गई है, लेकिन अभी भी मैं जवान ऐसा समझता हूँ। हमारे मित्र कृष्ण भानु जी कई बार नोट लिखते हैं मेरे, अभी कहते अभी भी हम जवान हैं, हम जवान हैं, वो दिमाग में मानसिकता नहीं आनी चाहिए बूढ़ेपन की, अरे तुम जवान, हम बच्चों में रहते हैं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं, बूढ़े में रहते तो बूढ़े जैसे हो जाते हैं। खैर, बात लंबी चौड़ी हो गई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये उन्होंने समय दिया मेरी बात आप तक पहुंचाने का समय दिया। ये चर्चा ही कुछ ऐसी थी कि मुझे अपने ही लेखन के ऊपर अपने आप ही बोलना था, तो जो कुछ मेरे को, मैं सोच रहा था क्या बोलूं अपने लेखन के बारे में, मैं क्या बोलूं, अपनी प्रशंसा, अपना मियां मिट्ठू कैसे करूं मैं। लेकिन मैंने कुछ जो विचार थे मेरे इन मेरी किताबों में, ये मैं अपनी किताबें आपको दिखाता हूँ, यहाँ ढेर लगाई हुई है मैंने, ये मेरी किताबें हैं, ये देखिए ये मेरी किताबें हैं, ये इधर अभी 4 किताबें मेरी आनी हैं, इसमें नहीं है। तो खैर, तो मैं ये ढंढोरा नहीं पीट रहा हूँ, मेरे जो छोटे मोटे जो मेरे विचार हैं उसकी प्रतिक्रिया आपकी होगी। हाँ, बिजली आ गई, उसकी प्रतिक्रिया आपकी होगी उन विचारों की। मैं लिखता हूँ, हर एक लिखते हैं, जो दूसरा बोलता है वो ही अच्छा होता है। अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, अपनी बिटिया सबको प्यारी लगती है, जो उसके गुणगान दूसरे करेंगे तब मजा आएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो फोटो आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, मैंने उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, मैं इतना मस्त हो गया था अपनी बात करने में, तो उन सब का मैं धन्यवाद ही करता हूँ। मैं उनका नाम नहीं ले पाया,
मैं उस तरफ वो देख भी नहीं पाया। मेरे को कुछ मित्रों के फोटो दिखाते रहे तो लगा कुछ बोलूं पर मैं भूल जाता हूँ। तो मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं करम सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका फोटो भी देख रहा हूँ मैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को सुना। ये ऐसा कार्यक्रम है जहाँ आप है नहीं, जहाँ श्रोता है नहीं, पता नहीं लग रहा है नहीं से, उसमें भी इतना मज़ा नहीं आता। जब मैं मंच से बोलता हूँ लोग दूसरी तरफ तालियों जाए तभी मज़ा आता है, इसमें भी मैं मज़ा ले रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को सुना आपने, और अकाडमी का बहुत बहुत अकाडमी, हमारी अकाडमी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी को इसमें समय मिलेगा। अभी तो कोरोना है भाई, बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है और लंबा खींचेगा। आपने अपने को बचाना है, आप सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करेगी नहीं तो सामान चल जाएगा। को भी बचाना है और समाज के साथ भी जुड़ना है। ये फोन ही आपका माध्यम रहेगा, एक नई परिस्थिति आ रही है, नई चीज़ आ रही है, इसको भी सीखो, इसी में मौज लो। जय हो, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हमारे इस बैक डोर में इंदिंद्र शर्मा जी हैं, जैसे फिल्म का डायरेक्टर सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है, सारा काम उसी का होता है, लेकिन जानते नहीं, जानते तो सलमान खान को हैं, जानते तो हेमा मालिनी को हैं, हम मिला हेमा मालिनी के पीछे लग जाते हैं, हेमा मालिनी को जानते, लेकिन जो पीछे है ना जानते, वो अब कुछ लोग ये सारा काम इतेंद्र शर्मा जी का कर रहे हैं। अरे क्या कला है उनकी, वो टेक्निकल आदमी, उसने कोई पैसा पैसा पूसा कुछ नहीं खर्चाया गवर्नमेंट का। अरे यही तो बात है, ये पर्दे के पीछे की बात है। तो मेरे को उनको भी सलाम करना है, आपको भी सलाम करना है, अकाडमी को भी सलाम करना है, सबको सलाम करना है। मेरे को आपके साथ भी बहुत मज़ा आया, बहुत मैं अनुभूति कर रहा हूँ कि आप मेरे को देख रहे हैं, रस की निष्पत्ति आपकी तरफ हो रही है, सारे हिमाचल में हो रही है। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।